प्रोडक्शंस इंडिया पर आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है इस धरती पर सबसे डीपेस्ट होल कहाँ है जिसने वैज्ञानियों की नींद उड़ा कर रख दी थी। आज बात जिस स्टोरी की करने जा रहे हैं उसका नाम है सुपर कोला बोर होल, जिसे गेट ऑफ हेल भी कहा जाता है और ये रशिया में मौजूद है। और कुछ एक ऐसा ऑडियो क्लिप जिसे सुनने के बाद आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोल्ड वॉर के टाइम रशिया और अमेरिका के बीच एक कंपटीशन का दौर चल पड़ा था, जिसमें वो दोनों देश हर फील्ड में एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। सोवियत में ये सोचा गया कि यदि धरती को गहराई में खोदते ही जाएं, तो आखिरकार कहाँ पहुँचेंगे। इसी बीच कुछ ऐसा सीक्रेट एक्सपेरिमेंट रशिया ने किया जिससे बीच में ही उसे मजबूरन बंद करना पड़ गया। आइए जानते हैं उसके बारे में। रशिया ने कुछ बड़ा कर दिखाने की सोच से एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची। सोवियत ने एक प्लान बनाया जिसमें उसने धरती की क्रस्ट या कहें धरती के गर्भ में 15 किलोमीटर गहरा एक बोर होल करने का प्लान बनाया। सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के दौरान रशिया ने अपना मिशन को स्टार्ट कर दिया और ये एक्सपेरिमेंट 1970 में शुरू हुआ। लक्ष्य था 15 किलोमीटर डीप बोर होल करने का, और ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जो एक्सपेरिमेंट 1970 में शुरू हुआ उसे 12 किलोमीटर डीप बोर होल करने में 13 साल का वक्त लग गया। 1983 में 12 किलोमीटर तक ही वो धरती में बोर कर पाए, पर सडनली ड्रिलिंग रुक जाती है। वो 12 किलोमीटर से आगे बोर नहीं कर पा रही थी। उसके बाद रूस को और 10 साल लग गए सिर्फ 260 मीटर का बोर करने के लिए। अब सोचिए 23 साल के लंबे सीक्रेट एक्सपेरिमेंट में ईयर 1993 में वो सिर्फ 12.26 किलोमीटर का ही बोर होल कर पाए। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। सबसे पहले जब वो 6700 मीटर की गहराई में पहुंचे, तब उन्हें वहां पर भी फॉसिल्स मिले। फॉसिल्स का अर्थ होता है जीवाश्म। वो किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस। 10 किलोमीटर के बोर पर गोल्ड और डायमंड के भंडार मिले। अब 12.62 किलोमीटर की डीप बोर पर तापमान था 220 डिग्री और टाइटेनियम ड्रिल्स बोर करते वक्त मिस्टीरियसली बर्न आउट हो गई, जबकि टाइटेनियम एक ऐसी धातु है जिसे पिघलाने के लिए सूर्य के सतह का टेम्परेचर चाहिए होता है। इतनी गहराई में भी 220 डिग्री सेल्सियस पर कैसे पिघल सकती थी ये धातु। अब होता है कुछ एक ऐसा एक्सट्रेंज जो विश्वास से बाहर था। 12.62 किलोमीटर के ड्रिल के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स के विज्ञानियों को कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई दी जिससे वो सहम गए और एक्सपेरिमेंट बीच में ही छोड़ना पड़ा। सबसे पहले उन्होंने लाखों लोगों की चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज़ सुनाई दी जो माइक्रोफोन से रिकॉर्ड की गई थी, जो धीरे धीरे आवाज़ बढ़ते हुए उनके अपर सरफेस तक सुनाई देने लगी। ह्यूमन एक्टिविटी की साउंड इतनी गहराई में सुनना और रिकॉर्ड करना यकीन से बाहर था। 2009 में पहली बार रशियन गवर्नमेंट ने उस रिकॉर्डिंग साउंड को अमेरिका के एक रेडियो स्टेशन को फॉरवर्ड किया। ये हेल साउंड क्लिप जिसमें लाखों लोगों के रोने की आवाज़ सुनाई दी, उसे वेरीफाई करने के लिए शिकागो यूनिवर्सिटी में भेजा गया और वो साउंड रियल पाई गई, और वही साउंड आज मैं आप सभी को सुनाऊंगा। में पूरे प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। उस बोर होल को हैवी ड्यूटी बोल्ट्स के साथ बंद कर दिया गया। डॉक्टर एजाकोव, जो उस एक्सपेरिमेंट के हेड साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा, मैं एक कम्युनिस्ट हूं और हम हेल और हेवन में यकीन नहीं रखते, पर एज ए साइंटिस्ट जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, उससे मैं कन्विंस्ड हो गया कि हेल भी हमारे धरती के नीचे एग्जिस्ट करता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इसको शेयर करें। थैंक यू।